नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूं मेरा चैनल करेंसी यूनिवर्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 10 अफ्रीकन कंट्रीज के करेंसी नोट्स। तो ये मेरे पास करेंसी नोट्स है, मैं आपको 10 कंट्रीज के दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको ये करेंसी नोट्स के वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू द इंडियन रूपी, पाकिस्तानी रूपी और बांग्लादेशी टाका। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 अफ्रीकन कंट्रीज के इशुइंग बैंक्स कौन कौन से हैं और इसका जो ISO कोड से, ये सारी चीज भी बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है अविनाश और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे चैनल में वर्ल्ड के बहुत सारे करेंसीज। चैनल में नए आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ में रहा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में देखते हैं, चलिए केन्या की करेंसी को। केन्या की करेंसी को कहते हैं शिलिंग, और मेरे पास जो करेंसी नोट है वो है 50 शिलिंग की नोट। तो ये रहा केन्या के 50 शिलिंग की नोट। तो ये रहा केन्या की करेंसी जो शिलिंग कहते हैं, जिसे मैंने आपको पहले कहा। और एक केन्यान शिलिंग की वैल्यू है इंडिया में 68 पाइस, यानी कि वैल्यू कम है विथ रेस्पेक्ट टू द इंडियन रुपी। और एक केन्यान शिलिंग की वैल्यू पाकिस्तान में 1.47 पाकिस्तानी रुपीज है और बांग्लादेश में 0.78 बांग्लादेशी टका है। तो ये जो मेरे पास अभी 50 केन्यान शिलिंग की नोट है, इसका वैल्यू जो है इंडिया में 34 इंडियन रुपी है, पाकिस्तान में 74 पाकिस्तानी रुपी है और बांग्लादेश में 39 बांग्लादेशी टका है। तो ये रहा, बैक साइड ऑफ द नोट पे भी देख सकते हो। और ये जो केन्या की शिलिंग है, इसका ISO कोड जो है वो है KES, और जो केन्या के इशुइंग बैंक है उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या। और जो केन्यान शिलिंग के सबसे बड़ी वाली नोट है वो है एट प्रेजेंट 1000 शिलिंग की नोट। तो ये रहा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो केन्या के 1000 शिलिंग की नोट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मैं अफ्रीकन कंट्री की करेंसी नोट दिखाने जा रहा हूँ वो है घाना की नोट। और घाना की करेंसी को कहते हैं सेडी, और मेरे पास जो नोट है वो है 1 सेडी की नोट। तो ये रहा घाना के 1 सेडी की नोट। तो ये रहा घाना के 1 सेडी की नोट, और इस नोट की वैल्यू है इंडिया में 12.55 इंडियन रुपी, पाकिस्तान में 27.32 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में 14.46 बांग्लादेशी टाका। तो ये रहा फ्रंट साइड, और अभी आप ये बैक साइड भी देख सकती हो। और ये जो करेंसी है घाना सेडी, इसका ISO कोड है GHS, और ये करेंसी नोट्स इशू करते हैं बैंक ऑफ घाना। और ये जो घाना के सेडी के नोट्स है, इसका हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है 200 सेडी की नोट। तो ये रहा, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो घाना के सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जो है 200 सेडी की नोट। और नेक्स्ट करेंसी जो दिखाने जा रहा हूँ अफ्रीकन करेंसी, वो है टंजानिया की करेंसी। टंजानिया की करेंसी को कहते हैं शिलिंग, और मेरे पास जो है वो है 500 शिलिंग की नोट। तो ये रहा टंजानिया की 500 शिलिंग की नोट। तो ये रहा टंजानिया के नोट जो है टंजानियन शिलिंग, और इसका वैल्यू ज्यादा नहीं है। एक टंजानियन शिलिंग जो है उसका वैल्यू सिर्फ इंडिया के 0.03 रुपी है, यानी कि 3 पैसे सिर्फ, और पाकिस्तान के 0.07 पाकिस्तानी रुपी है और बांग्लादेश के 0.04 बांग्लादेशी टाका है। तो ये जो मेरे पास अभी 500 शिलिंग की नोट है टंजानिया की, इसका वैल्यू इंडिया पे अप्रोक्सीमेटली 16 रुपीज है, पाकिस्तान में इसका वैल्यू 35 पाकिस्तानी रुपी है और बांग्लादेश में इसका वैल्यू 18 बांग्लादेशी टाका है। और इसका जो ISO कोड है, ये ISO कोड है TZS, और ये रहा बैक साइड ऑफ द नोट। और ये जो नोट्स टंजानिया के हैं, ये इश्यू करते हैं बैंक ऑफ टंजानिया, जो टंजानिया के सेंट्रल बैंक है। और टंजानिया के जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है वो है 10,000 शिलिंग की नोट। तो ये रहा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 10,000 टंजानियन शिलिंग की नोट। दोस्तों नेक्स्ट तो देखते हैं जो है नाइजीरिया की करेंसी। नाइजीरिया की करेंसी को कहते हैं नेरा, और मेरे पास जो नोट है वो है नाइजीरिया के 10 नेरा की नोट। तो ये रहा 10 नाइजीरियन नेरा, और ये नोट पॉलीमर की है। तो ये रहा नाइजीरिया के नेरा नोट, और जो 1 नाइजीरिया की नोट है उसका वैल्यू इंडिया में सिर्फ 20 पैसे है वैल्यू, पाकिस्तान में 41 पाकिस्तानी पैसे है और बांग्लादेश में सिर्फ 21 पैसा है। तो ये मेरे पास जो अभी प्रेजेंट नोट है 10 नेरा की नोट, ये भी आप बैक साइड भी देख सकते हो, और ये रहा फ्रंट साइड, इसका वैल्यू है इंडिया में सिर्फ 1.90 इंडियन रुपी,
पाकिस्तान में इसका वैल्यू है 4.10 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में इसका वैल्यू है 2.10 बांग्लादेशी टाका। और ये जो नाइजीरिया की नोट है इसका ISO कोड है NGN और ये सारे नोट्स इशू करते हैं नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया। और एक बार फिर से कह दूं ये नोट पॉलीमर की है और जो नाइजीरिया के हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है वो है 1000 नेरा की नोट। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो नाइजीरिया की 1000 नेरा की नोट। नेक्स्ट नोट देखने चले युगेंडा की नोट। युगेंडा की करेंसी को भी शिलिंग कहते हैं और ये रहा युगेंडा की नोट। मेरे पास जो नोट है वो है 2000 युगेंडन शिलिंग की नोट। तो ये रहा युगेंडा के 2000 शिलिंग की नोट। तो ये रहा युगेंडा की करेंसी जो है शिलिंग और एक युगेंडा शिलिंग की वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ इंडिया के 2 पैसे है, पाकिस्तान के 4 पाकिस्तानी पैसे है और बांग्लादेश के भी 2 पैसा है। और ये जो मेरे पास अभी है एट प्रेजेंट 2000 युगेंडन शिलिंग की नोट, इसका वैल्यू है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40 रुपये, पाकिस्तान में इसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 88 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में इसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 46 बांग्लादेशी टाका। ये युगेंडा करेंसी की ISO कोड है UGX और युगेंडा के जो करेंसी नोट्स इशू करते हैं वो इशू करते हैं बैंक ऑफ युगेंडा। और सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है युगेंडा की 50,000 शिलिंग की नोट। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो युगेंडा के सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जो है 50,000 शिलिंग्स। दोस्तों नेक्स्ट नोट देखने चलिए लाइबेरिया की। लाइबेरिया की करेंसी को कहते हैं डॉलर और मेरे पास जो है वो है 5 लाइबेरियन डॉलर की नोट। तो ये रहा 5 लाइबेरियन डॉलर की नोट। तो ये रहा लाइबेरिया की नोट। ये 1 लाइबेरियन डॉलर की वैल्यू है इंडिया में 45 पैसे सिर्फ, पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 1 पाकिस्तानी रुपए और बांग्लादेश में इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50 बांग्लादेशी पैसा है। और ये जो 5 लाइबेरियन डॉलर मेरे पास एट प्रेजेंट है इसका वैल्यू इंडिया में 2.26 इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तान में 4.91 पाकिस्तानी रुपी है और बांग्लादेश में 2.6 बांग्लादेशी टाका है। और ये नोट की ISO कोड है LRD और ये जो लाइबेरिया की करेंसी नोट से वो इशू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ लाइबेरिया। और सबसे बड़ी वाली नोट है वो है 500 लाइबेरियन डॉलर की नोट। तो ये रहा आप स्क्रीन में देख सकते हो लाइबेरिया की हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट 500 लाइबेरियन डॉलर्स की नोट। दोस्तों नेक्स्ट अफ्रीकन कंट्री के करेंसी नोट जो मेरे पास है वो है इजिप्ट की नोट। इजिप्ट की करेंसी को कहते हैं पाउंड और मेरे पास जो नोट है ये रहा इजिप्ट के 200 पाउंड की नोट। तो ये रहा फ्रंट साइड आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये रहा इजिप्ट के नोट। इजिप्ट के जो नोट है वो है पाउंड है करेंसी और एक इजिप्शियन पाउंड की वैल्यू इंडिया के 4.73 रुपीज है, पाकिस्तान के 10.3 पाकिस्तानी रुपी है और बांग्लादेश के 5.46 बांग्लादेशी टाका है। मेरे पास जो नोट है वो है 200 इजिप्शियन पाउंड्स और ये नोट की वैल्यू है इंडिया में 947 रुपीज, पाकिस्तान में इसका वैल्यू है 2060 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में इसका वैल्यू है 1090 बांग्लादेशी टाका। और ये जो इजिप्शियन पाउंड नोट है इसका ISO कोड है EGP और ये सारे नोट्स इजिप्ट के इशू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट। और ये जो इजिप्ट के नोट है ये सबसे बड़ी वाली नोट मेरे पास है 200 पाउंड की नोट। तो ये रहा हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट इजिप्ट के 200 पाउंड की नोट। तो नेक्स्ट नोट देखते हैं चलिए साउथ सुडान की। साउथ सुडान की करेंसी जो है वो है पाउंड, साउथ सुडानीज पाउंड और ये रहा साउथ सुडानीज पाउंड। मेरे पास जो नोट है वो है 5 साउथ सुडानीज पाउंड की नोट। तो ये रहा साउथ सुडान की नोट और 1 साउथ सुडान पाउंड की वैल्यू है इंडिया में 56 पैसा, पाकिस्तान में 1.23 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में 0.65 बांग्लादेशी टाका। तो मेरे पास जो नोट है ये है 5 साउथ सुडानीज पाउंड की नोट, इसका वैल्यू है इंडिया में 2.82 इंडियन रुपी, पाकिस्तान में इसका वैल्यू है 6.15 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में इसका वैल्यू है 3.26 टाका। तो ये जो नोट है इसका ISO कोड है SSP और ये सारे नोट्स इशू करते हैं बैंक ऑफ साउथ सूडान। और सूडान की जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है वो है 500 पाउंड की नोट। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो साउथ सूडान की सबसे बड़ी वाली नोट जो है 500 पाउंड की नोट। तो नेक्स्ट नोट देखते हैं अफ्रीकन कंट्री की जो है मोजेम्बिक की। मोजेम्बिक की करेंसी को कहते हैं मेटिकल और मेरे पास जो है वो है 20 मेटिकल की नोट। तो ये आप देख सकते हो मोजेम्बिक के 20 मेटिकल की नोट और ये पॉलीमर की है। तो ये रहा मोजेम्बिक के 20 मेटिकल की नोट। तो एक जो मोजेम्बिक के 1 मेटिकल नोट है इसका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम एज इंडिया है, तो 1 मेटिकल इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपी
पाकिस्तान में 2.15 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में 1.14 टाका। और ये जो मेरे पास नोट है ये 20 मेटिकल की नोट है, इसका वैल्यू इंडिया में 20 रुपये है, पाकिस्तान में 42.92 पाकिस्तानी रुपी है और बांग्लादेश में 22.71 बांग्लादेशी टाका है। ये जो करेंसी नोट है मोजाम्बिक की, इसका ISO कोड है MZN। और ये जो नोट्स इशू करते हैं मोजाम्बिक के सेंट्रल बैंक जो है बैंक ऑफ मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है 1000 मेटिकल की नोट। और एक बार कह दूं कि ये नोट भी पॉलीमर नोट है। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मोजाम्बिक के सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जो है 1000 मेटिकल की। दोस्तों नेक्स्ट नोट देखते हैं, चलिए साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की करेंसी जो है उसको कहते हैं साउथ अफ्रीकन रैंड। और मेरे पास जो है वो है 10 साउथ अफ्रीकन रैंड की नोट। तो ये रहा साउथ अफ्रीका के 10 रैंड की नोट। तो दोस्तों नेक्स्ट नोट देखते हैं साउथ अफ्रीका की। और एक साउथ अफ्रीका की रैंड की वैल्यू है इंडिया में 5.05 रुपीज, पाकिस्तान में इसका वैल्यू है 11 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में इसका वैल्यू है 5.82 टाका। मेरे पास जो नोट है वो है 10 साउथ अफ्रीकन रैंड की नोट और इसका वैल्यू इंडिया में है 50.5 इंडियन रुपी, पाकिस्तान में 110 पाकिस्तानी रुपी और बांग्लादेश में 58 टाका। और ये जो साउथ अफ्रीकन रैंड नोट है इसका ISO कोड है ZAR। और ये सारे नोट इशू करते हैं साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक। और एक बार ये साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है वो है 200 रैंड की नोट। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो 200 रैंड की नोट जो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट है। तो दोस्तों अगर हो सके तो प्लीज आप मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, मेरा हैंडल है करेंसी यूनिवर्स। तो वहां पे मैं बहुत सारे वीडियोस और फोटोज दे रहा हूँ, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी। और दोस्तों अगर आप ये सारे करेंसी वीडियोस इंग्लिश में देखना पसंद करते हो तो आप मेरा इंग्लिश चैनल में जाके भी देख सकते हो जो है द करेंसी चैनल, वहां पे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और साइड में रहा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लीजिए पूछिए, नहीं तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में भी पूछ सकते हो जो है करेंसी यूनिवर्स। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा और आपके क्वेरीज और डाउट सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और एक नए वीडियो में जल्दी से अपलोड करूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो। तो टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून, बाय बाय।